बताना है कौन सा क्वाइन बड़ा है, कौन सा क्वाइन छोटा है। बताओगे? देखो, दिए गए नोट व सिक्कों की राशि नीचे लिखे व सिंबल और लगाकर तुलना करें। ये छोटे बड़े का जो सिंबल होता है ना, क्रोकोडाइल का फेस बना होता है, एक तरफ से बंद होता है, एक तरफ से मुंह खुला होता है, एक इक्वल का साइन होता है। मैंने समझाया था संख्या को समझाते हुए कौन सी संख्या बड़ी होती है, कौन सी संख्या छोटी होती है, और उसको दिखाने के लिए हम सिंबल बड़े की साइड क्रोकोडाइल का फेस खोल देते हैं। ये क्रोकोडाइल की तरह बना होता है ना इसका फेस, है ना। अच्छा, सबसे पहले देखो, एक 1 रुपीज का नोट है और इधर कितने का है? 5 रुपीज का। ये तो इन्होंने भी करके देख दिया। तो क्रोकोडाइल का फेस किधर खुला है? जो बड़ा होता है क्रोकोडाइल उसी को खाएगा, जो बड़ी मछली होती है क्रोकोडाइल उसी को खाता है, खाता है ना। तो यहाँ पर बड़ी मछली कौन सी है? 5 रुपीज बड़ी मछली है। तो क्रोकोडाइल किधर जाएगा? 5 की साइड का, इसका मुंह 5 की साइड ऐसे खोल देंगे और बंद किससे करेंगे? 1 की साइड से इसको बंद कर देंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट वाला देखो, ये कितने का क्वाइन है? 5। और ये कितने का क्वाइन है? 10। तो इसमें बताओ किस साइड आएगा क्रोकोडाइल? 10। किस साइड आएगा क्रोकोडाइल का? 10। किस साइड आएगा? 10। तो हम 10 पे करें क्रोकोडाइल का फेस, ये ऐसे आ गया। समझ में? Yes, समझ में आ रहा है? अब देखो आगे काउंट, देखो आगे वाली लाइन में कौन सा है? 10। ये कितने का नोट क्वाइन है? 10 का क्वाइन। और ये नोट कितने रुपीज का है? 10। अब बताओ इनमें बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, बिग कौन सा है? बराबर बराबर है, इक्वल है दोनों। तो तुम्हें पता है इक्वल का कौन सा साइन है? ये वाला। ये वाला कौन सा? देखो करके दिखाएं। ये वाला। ये, शाबाश। सभी बच्चे अपनी अपनी उंगली से करो, कैसा साइन है? ये वाला। ऐसे, वेरी गुड। अरे मैंने यहाँ पे लगा दिया, मैंने सही लगाया? यस मैम। नेक्स्ट वाला देखो, ये कितने का क्वाइन है, नोट है जो? 5। और ये इसमें किसकी फोटो है? तुम्हें पता है इसमें किसकी फोटो लगी हुई है? महात्मा गांधी जी की फोटो लगी हुई है। कितनी? किसकी? हाँ, तो ये कितने का नोट है बताओ? 20 रुपीज का नोट। और ये क्वाइन कितने का है? अब बताओ बिग कौन सा नोट है? 20। तो मैं इधर कर दो इसको ऐसे, ये हो गया सही है कि गलत है? किस साइड जाएगा? हाँ, हम इसको अब इसको मिटाना हो तो मैं क्या करूं? मैं इसको दबा देती हूँ, है ना। अब देखो फिर अब मैं क्या ऐसे लगा दूं? ये ऐसे सही है? ये सही होगा? देखो कैसे आएगा फिर? अपनी अपनी उंगली से करके बताओ। वेरी गुड, ऐसे ये सही है। फिर अब बताओ। इसका मतलब आप लोगों को साइन करना तो आ गया है ना, संख्या का छोटा बड़ा तो पहचानना हो गया। Yes, हो गया ना? Yes, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैं छोटा सा